अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की पाँचवीं जमात सबक 8 पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को सवालों के जवाब बताऊँगी। सबक 5 ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, काबिलियत, इसके अल्फाज के माना भी बता चुकी हूँ। अब हम सवालात के जवाब पढ़ेंगे। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, किट्टू केचुआ किस जगह रहता था? जवाब, जंगल के किनारे एक तालाब में रहता था। किट्टू केचुआ जंगल के किनारे एक तालाब में रहता था। जवाब, किट्टू ने चिंटू से क्या बात कही? सवाल, किट्टू ने चिंटू से क्या बात कही? जवाब, किट्टू ने चिंटू से कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे कलाबाज हो। सवाल नंबर 3, दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाना कैसा है? दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाना कैसा है? जवाब, दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाना सबसे बड़ी काबिलियत है, सबसे बड़ी काबिलियत है, खूबी है। सवाल नंबर 4, नाना की बातें सुनकर किट्टू ने कैसा महसूस किया? नाना की बातें सुन के किट्टू को कैसा लगा? जवाब, नाना की बातें सुनकर किट्टू ने बहुत खुशी महसूस किया, बहुत खुश हुआ और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। अब आगे है मंदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखें। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसका हमें वाहिद अल्फाज है, उसका हमें जमा बनाना है। जंगल जमा जंगलात, केचुआ जमा केचुए, तारीफ जमा तारीफें या तरफा, औकात वक्त की जमा है औकात, बातें जमा बात की जमा है बातें, बात जमा बातें, अच्छाई जमा अच्छाइयां। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। जंगल की जमा जंगलात, केचुआ केचुए, तारीफ तारीफें, वक्त औकात, बात बातें, अच्छाई अच्छाइयाँ। सबको अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। खुदा हाफिज़।